हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2022 से दोस्तों इस वर्ष आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा दसवीं विषय हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह है। कक्षा दसवीं विषय हिंदी है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग इसमें से ज़रूर पढ़ाई कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना है। मेरे क्वेश्चन जो है 5 साल के रिकॉर्ड से बनाया जाता है, यानी विगत 5 वर्षों के बहुत सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसको बनाया गया है। तो अच्छे से आपको स्टडी करना है, स्वयं से भी कुछ प्रश्नों को पढ़ लेना है। इसका 2 पार्ट में रहेगा, है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न एक में 20 प्रश्न है दोस्तों, 1 अंक वाले हैं, जिसमें आप बात सदा करके 4 खंड है। प्रश्न 2 से लेकर 9 तक 2 अंक है। प्रश्न 10 से 17 तक 3 अंक है। 18 से 20 तक में 4 अंक है। प्रश्न 21 से 24 तक में 5 अंक है। और लास्ट 25 में 8 अंक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। थरूवरों का बजहर त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? तो रेड कलर में मैंने अलग से आंसर दे दिया है, देख लीजिए, वैशाख आएगा इसमें। खिली हुई सरसों ने क्या दिया है? तो खिली हुई सरसों ने रंग दिया है। दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले मौसम की जानकारी दर्शाई जाती है, मानचित्र आएगा इसमें आंसर। मीरा ने किसको अपना पति माना है? राम को, शिव को, कृष्ण को, हनुमान को? तो कृष्ण को आएगा आंसर। मनुष्य का शरीर क्या है? द्रव पिंड है, जड़ पिंड है, गैस पिंड है, चेतन पिंड है? इसमें चेतन पिंड आंसर आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? बछेंद्री पाल आएगा इसमें। सेकंड है, जड़मती का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख आएगा। गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गर्धव आएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली आएगा। झारखंड के आदिवासियों के संपर्क भाषा क्या है? नागपुरी। खंडसा सही गलत बताइए। रूठे हुए सजनों को कभी नहीं मनाना चाहिए, गलत कथन है दोस्तों। भेटिया जनजाति पुनर्जन्म में विश्वास करती है, सही कथन है। कौसानी की तुलना आइसलैंड से की गई है, ये गलत है। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है, सही है। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है, गलत है। उचित संबंध जोड़िए, पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात। तो यहाँ पर ये पानी के बुदबुदा आसमान उसकी जात आएगा। नया गति वक्त गुजर जाएगा। वीरांगना, वीरांगना जो है केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। हाथ पीले करने का अर्थ होता है विवाह करना। सहकारिता का अर्थ होता है साथ मिलकर चलना। तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। प्रश्न दूसरा है, दो नंबर वाले प्रश्न है। अभी उपमालंकार किसे कहते हैं? तो जिस काव्य में व्यक्ति वस्तु की तुलना उसके समान गुण धर्म के कारण की जाती है उसे उपमालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में राधा बदन चंद्र सुसुंदर। प्रश्न 3 है, खान की शक्ति क्यों छुमंतर हो गई थी? तो लेखक के मृदु व्यवहार और विनम्रता के कारण खान की शक्ति छुमंतर हो गई थी। प्रश्न 4 है, कवि ने किस किस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया है? तो कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है। जब सुबह होता है दोस्तों तो लोग जो है ऊपर खिड़की वगैरह देखकर बोलते हैं, भैया सूर्य उग चुका है, सुबह हो गया है ना। ठीक है, पक्षी चहचहाने लगते हैं सुबह तो लोग समझ जाते हैं कि सुबह हो गई है। पवन, वायु जब चलती है ठंडी ठंडी सुबह, तो लोग समझ जाते हैं कि सुबह हो गई है। प्रश्न 5 है, बांग्ला भाषी की क्या विशेषता बताया है? बांग्ला भाषी यात्री ने कहा, बांग्ला सबसे मीठी भाषा है, इससे भारतीय साहित्य को अत्यंत उच्च कोटि के साहित्य से समृद्ध किया है। प्रश्न 6 है, तालम खाना किसे कहते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? तो तालम खाना एक प्रकार का बीज है जिसे मखाना भी कहते हैं, यह तालाब में पाया जाता है। प्रश्न 7 है, रसखान कवि ने काग को भाग्यशाली क्यों माना है? तो रसखान ने काग को भाग्यशाली इसलिए माना है क्योंकि वह बालक कृष्ण के हाथों से माखन रोटी छीनकर ले गया। कविता के आधार पर हरे चने के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो चने का पौधा ठिगना है, ऊपर की ओर गुलाबी फूल लगे हैं, यह पौधा गुलाबी साफा बांधे दूल्हे की तरह दिखता है। प्रश्न 9 है, सूर्य के पदों में किस त्रिवेणी बहती है? सूर्य के पदों में वात्सल्य श्रृंगार की श्रेणी बहती है।
प्रश्न 10 है, काव्य की परिभाषा लिखिए। 3 नंबर वाले सवाल से स्टार्ट हो गए। और काव्य के कितने प्रकार होते हैं? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, सव्य काव्य और दृश्य काव्य। प्रश्न 11, दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो दोहा छंद अर्थ सम्मातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरण में 13-13 मात्राएँ होती है और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएँ होती है। दोस्तों, कारत धीरे होत है काहे होत धीर, समय पाए फरय के तक सिंचो नीर। ठीक है, तो मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, है ना, उसको भी आप चाहो तो समझ सकते हो। प्रश्न 5, 12 है, भारत की बहादुर बेटियां पाठ का मूल भाव क्या है? दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। अनेक विकास से ही किसी देश का दुनिया का विकास संभव है। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। तो इस पाठ का मूल उद्देश्य जो है ना। प्रश्न 13, बहुत दिनों के बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है? तो बहुत दिनों के बाद कविता में गांव में जीवन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। फसलें पककर सुनहरी हो गई है, धान कूटती हुई किशोरिया कोकिला के समान मीठा गीत गा रही है, मौल श्री के फूल की सुगंध चारों ओर फैल गई है। बहादुर पाठ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर घोड़ा ठिगना गरीब नेपाली लड़का है। वह एक बहादुर बालक है। उसने बचपन का भोलापन और संवेदनशीलता भी है। वह ईमानदार है, बहादुर मेहनती और हसमुख लड़का भी है। वह स्वाभिमान युवा कर्तव्यनिष्ठ बालक है। प्रश्न 15, बस और सरकारी तंत्र के किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो रोडवेज की बस अपनी चाल में सरकार के समान थी, बिल्कुल सरकारी स्वभाव, पहले लेट हुई फिर ओवरलोड। प्रश्न 16, समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो समाचार में संपादक की कोशिश रहती है किसी घटना के बारे में जनता के हितों को घटना में रखते हुए टिप्पणी दें, क्योंकि अखबार न सिर्फ जनता का सच्चा शिक्षक है बल्कि जनता के हितों का रक्षक भी होता है। इस तरह समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं। प्रश्न 17, परियोजना की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। शैक्षणिक परियोजना में खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। परियोजना मुख्य तथ्यों पर आधारित होती है। परियोजना में अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर बहुत कम होता है। प्रश्न 18, चेतन पिंड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चेतन पिंड वे होते हैं जो अपने वातावरण से कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ निकालते हैं। यह बाहरी वातावरण से अपने बचाव के लिए भी प्रयत्नशील होते हैं। हमारा शरीर उन्नत प्रकाश का चेतन पिंड है और वह अनेक स्तरों पर अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करता है। जड़ निर्जीव है, चेतन पिंड के यह दोनों लक्षण जड़ पिंडों में नहीं पाए जाते हैं। छाव नृत्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो छाव नृत्य की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें पौराणिक कथाओं के आधार मानकर नृत्य किया जाता है। नर्तकों के मुख पर कथा पात्रों के अनुरूप मुखौटे लगाए जाते हैं। ताल और लय के साथ अभिनय इस नृत्य की विशेषता है। प्रमुख नर्तक अंगद महतो है, यानी इनका नाम भी बताया गया है। प्रमुख जो नर्तक है वो अंगद महतो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 19, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचनाएं हैं इसमें। तो इस प्रश्न 19 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ने से बच्चे देखते नहीं हैं, है ना, उब जाते हैं। इस वजह से मैं 10 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ। प्रत्येक विषय का इस प्रकार 2-2 पार्ट आएगा, उसको आपको पूरे को देखना है। इसमें से 100% प्रश्न आने की संभावना है।